हम कहां के सच्चे थे। अम्मी प्लीज पैसे मत दीजिएगा, अब कमाने लगी हूँ, गुजारा कर लूंगी। प्लीज अम्मी प्लीज। तुम भी उसे उसी तरह तंग कर रही हो, सता रही हो जैसे तुम्हारा बाप सताता था। शादी के कार्ड में सिर्फ दो नाम होंगे, मशन और असद का। राबिया पप्पू वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तो मुलाजमों के साथ भी ऐसे बात नहीं कर सकती जैसे वो अपनी दादी और माँ के साथ करती है। तो मशर फिर छोड़ दो उसको, उसके हाल पे जो करना चाहती है करे। देखिए मैं कैसे छोड़ दूँ, आप तो जानते हैं मेरे नेचर को, मुझे परवाह है उसकी, और वैसे भी उसके बारे में भी आप जानते हैं, और तर्स भी आता है मुझे उस पर। खामा खा को ऊपर नीचे हो गया तो राबिया पप्पू के लिए बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। चलो मैं अम्मी से कहूँगा उससे बात करें, अम्मी की उसके साथ दोस्ती भी है और वो अम्मी की मानती भी है। सालिया पप्पू को लगता है वो उनकी मानती है। आप यकीन माने वो इतनी हीबतें करती है अम्मी दादी और शब्बों के सामने कि अगर वो सुन लें तो शौक लग जाएगा उन्हें। अम्मी के बारे में क्या कहती है? यही के साले पप्पू बहुत चलाक हैं, बाहर से स्वीट हैं और अंदर से मीठी छुरी हैं। वो अमीर हैं तो बहुत अकड़ती हैं, अपने आप को मेरी अम्मी से ज़्यादा सुपीरियर समझती हैं। बेटे की अच्छी नौकरी क्या लग गई, वो तो साथ में आसमान पे चढ़ गई हैं, इस तरह की बातें करती हैं। और एक अम्मी है हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती है, मैं बताऊँगा उन्हें ये सब। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे नाम से ना बताना प्लीज़। मैं तो एक्चुअली प्यार करती हूँ उनसे। मुझे बस बहुत दुख होता है जब वो बुराइयाँ करती है घर के मुलाजमों से उनकी। लेकिन सालिया पप्पू पता नहीं क्यों महरीन के ट्रांस में है, उन्हें कभी भी महरीन की असलियत नज़र नहीं आ रही। चलो चंद दिन रह गए हैं, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान में, उसे बैठ के समझाऊंगा। हाँ मैं तो दिन गिन रही हूँ आप कब आएंगे, रोज कहती हूँ कल आ जाएं। आई विश, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इस बार हम 2 साल बाद मिल रहे हैं ना? हाँ 2 साल के बाद, लेकिन आप पाकिस्तान 3.5 साल के बाद आ रहे हो। लास्ट टाइम तो हम आए थे ना अमेरिका, कितना मज़ा आया था, कितना एंजॉय किया था हमने, कहाँ कहाँ फिरे थे, इट वाज ग्रेट, आई एंजॉयड मायसेल्फ। चलो अब मैं कराची आऊँगा तो तुम मुझे घुमाना, वहाँ पे कोशिश करूँगा कि तुम्हें परमानेंटली न्यूयॉर्क शिफ्ट करा दूँ। ठीक है, प्रॉमिस। ओके बाय बाय। बाय। अच्छे है ना? बहुत अच्छा है। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू बेटे। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम मरीमबा जी। खाला ऊपर? जी जी, असवा साहब के रूम की सफाई कर रही हैं पिछले 3 दिन से। अभी तो बड़े दिन है असवत को आने में, पर ये बात सालेबा जी को कौन समझाए। अच्छा ये लो मेरे लिए। तुम्हारे लिए, बाद में बताना अच्छी लगी है नहीं, इसके बदले में चाय। ये भी भला कोई बोलने वाली बात है मरीमबा जी, चाय दूध पत्ती और चीनी ज्यादा। खाला इधर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह से, जिन की तरह आगे तुम। जिन नहीं खाला, चुड़ैल। चुड़ैल हो तुम्हारे दुश्मन। वो भी एक। ये आपने क्या क्या कर रखा है यहाँ? दिल कर रहा है सारा इंटीरियर ही बदल दो, लेकिन अकेली हूँ नहीं कर पाऊंगी। तुम आ गई हो तो संभाल लो। इस तरह के कामों का जिम्मा मुझ पे ही डाल दिया तो मैं और किस पे डालूं? इस वीकेंड को आ जाओ ना प्लीज। ठीक है, लेकिन फिर आप नानी से बात करेंगी। कर लूंगी उनसे भी बात, अरे उन्होंने क्या कहना है। सोच है आपकी खाला। अम्मी जी आप बस ये ब्रेकिंग न्यूज ही देखती रहे, 7 बज रहे हैं,
आपकी नवासी अभी भी गायब है, कोई अता पता है आपको? हाँ मैं बताना भूल गई, वो शालिया की तरफ गई है, रात वहीं रहेगी। वहाँ क्यों रहेगी? भाई सालिया ने कोई घर की सफाइयाँ शुरू की हैं, वो चाहती है कि महरीन जरा हाथ बटाए। ये ठीक है, पुप्पो के घर जाके सफाइयाँ कर लेगी। यह अम्मी ने एक काम कह दिया, बदतमीजी शुरू। अम्मी जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो आपने इसकी आदत बिगाड़ी है, जब दिल चाहे मुँह उठाकर किसी भी दोस्त के रात गुजार ले, ये बिल्कुल गलत है। माना सालिया खाला है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? माँ के घर जाती नहीं है, खाला के घर रातें गुजार रही है। मैंने कहा था सालिया से कि भेज दे उसे घर वापस, उसने नहीं भेजा, मैं क्या करूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी नवासी असवद को फंसाने के चक्कर में ये सफाइयाँ शफाइयाँ कर रही है। किस तरह रिश्ते नहीं होते, बता रही हूँ आपको। और यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? A1 खाला, आप तो जानती हैं। पढ़ाई मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओहो, इतना गुरूर। बनता है, मेहनत भी तो करती हूँ। राबिया का फोन आया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। तुम्हें पता है शादी के बाद शौहर को संभालना, वो भी दूसरी शादी, कितना मुश्किल होता है। नुमान की वजह से वो इतना परेशान नहीं होती है जितना तुम्हारे रवैये से अपसेट है। कुछ बोलोगी नहीं? तुम जिंदगी भर बेवकूफ की बेवकूफ रहना। शीबा के घर है, शीबा के घर है। नहीं जी, महरीन शीबा के घर नहीं है, फुप्पो के घर है। असवद पे डोरे डाल रही है। इतनी दफा का अल्लाह के वास्ते फुप्पो से जरा बॉन्ड बना लो, क्योंकि खाला भांजी का तो होता ही रिश्ता स्ट्रांग है। लेकिन नहीं, तुम खुश हो असवद से दोस्ती करके बस। अब मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा? गलती तो फुप्पो की है ना, मुझे बुला लेती। हर काम के लिए महरीन को क्यों बुलाती है? हर शाम को तुम्हारे अब्बा को आने दो। दो दिन में अगर मैंने तुम्हारा असवद के साथ रिश्ता तय नहीं किया तो शगुफ्ता मेरा नाम नहीं, बस। महरीन की बच्ची। हाला आप अम्मी को कहा करें कि मुझसे मिलने ना आया करें। ने आपको भी तकलीफ पहुंचाती हैं और मुझे भी। वाह भाई, एक माँ से कह दूं कि वो अपनी बेटी से ना मिले। आपको याद है खाले जब उनकी शादी हुई थी, 5 साल मुझसे मिलने नहीं आई थी। उनकी मजबूरी थी और नुमान भी कोई अच्छा नहीं कर रहा था उसके साथ। हम सब ने मिलकर यही सोचा कि उनसे कहते हैं वो अपना घर संभाले, हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे, संभाल लेंगे बहरीन को। और आप कुवैत चली गई। मुझे जरूरत थी उनकी, बहुत अकेली थी मैं, और उस घर में मेरा अकेलापन दूर करने वाला कोई नहीं था। आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है वहां। मेरा बचपन एक डरावना ख्वाब है खाला, नहीं याद करना चाहती मैं उसको, सोचना भी नहीं चाहती। जानती हूँ, और मुझसे बढ़कर कौन जानेगा? लेकिन जैसे पुरानी बातें पीछे छोड़ आई तो अपनी माँ से भी गिले शिकवे पीछे छोड़ दो। गिले शिकवे नहीं है खाला, मगर अगर उन्होंने प्यार की आदत डाल दी तो उन्हीं की जिंदगी मुसीबत में डलती है, उनका शौहर, उनके बच्चे। अगर वो मुझसे ना खुश होकर खुश है तो ठीक है, एंड शी डिजर्व्स टू बी हैप्पी। तुम कितनी गहरी हो? समंदर जितनी। समंदर क्या चीज है खाला, मेरे अंदर तो पाताल है।
वॉशरूम जा रही हूँ। दीवानों से मैं अम्मी से बात करके आपसे बात करता हूँ। हाँ वो मेहरीना आई हुई है मेरे पास, हाँ रहने के लिए। क्यों खैरियत? हाँ मिलने के लिए आई थी, उसे मैंने रोक लिया, जाने नहीं दिया एक दिन के लिए। तुम्हारी बात करवाऊँ उससे? नहीं नहीं मुझसे बात कराने की जरूरत नहीं अम्मी। और वैसे आप मेहरीन को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करने लगती? बिल्कुल करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे तुम्हें पता है ये हवा में ना कुछ जेलसी की स्मेल आ रही है। जेलस क्यों अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, वो आपकी भांजी है। हाँ तो उसको इतना जज करने की क्या जरूरत है बेटा, बात कराऊँ तुम्हारी? नहीं नहीं अम्मी बात करवाने का टाइम नहीं है, मुझे काम से देर हो रही है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ ना, पाकिस्तान आके बात कर लूँगा। ठीक है अरे कर लो ना बेटा उससे बात, वैसे भी वो तुम्हारा कमरा अरेंज करने में लगी हुई है। क्या आपने उसको मेरे कमरे में घुसा दिया? ऐसा कौन सा पहली दफा हो रहा है, कितनी बार पहले भी तुम्हारा कमरा सेट कर चुकी है। अम्मी प्लीज ऐसी चीजें मत किया करें, घर पे मुलाजमा है ना? मुलाजिम तो है पर मालिकों की तो कोई और बात होती है ना। बस आई थिंक यू आर बिजी। ओके ओके बेटा टेक केयर। मुझे ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से नफरत हुई है और जिनसे हो जाए फिर उनसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। अब ज़िंदगी में कोई एक ही ऐसा है जिसका गला मैं अपने दोनों हाथों से दबाना चाहती हूँ, मशल का। जितनी नफरत मुझे उससे है दुनिया में किसी से नहीं, किसी से नहीं।
आ गई आपको याद मेरी? अरे रोज तो बात होती है हमारी, कॉल्स पे अलग, टेक्स्ट पे अलग, तो इसमें याद आने वाली सिचुएशन ही नहीं है माशाल्लाह। लेकिन आपने कहा था ना पप्पू से बात करने के बाद मुझे कॉल करेंगे। हाँ तो मैंने अपनी अम्मी से भी बात करनी थी, जिस तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, पप्पू मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल, वो मेरी अम्मी है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी अम्मी है, जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी इम्पोर्टेंट है, राइट? मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। ये सिर्फ बातें होती हैं यार, खूनी रिश्ते होते हैं, बाकी सारे रिश्ते इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होते हैं। जब तुम इस तरह की किसी सिचुएशन में आओगी ना तो तुम भी अपनी अम्मी को चूज करोगी। सो आई मीन, अच्छा आजमा के देख लीजिएगा। मैं ऐसी अहमकाना बातों में ना खुद पढ़ता हूँ ना किसी को डालता हूँ। सो महरीन से भी बात हुई होगी आपकी, पप्पू से बात करते हुए? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो तो आपकी तरफ रात रहने गई है ना? हाँ मैंने बताया था, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। दिल भी नहीं चाहा आपका? मैं उससे बात करके क्या करूंगा मशाल? वो उसने स्मोकिंग शुरू कर दी है। हो क्या गया यार? I guess जीन्स में, उसका बाप भी नशे करता था, अब बेटी ने सिगरेट भी शुरू कर दी है, नशे भी करेगी I guess। ड्रग्स जीन्स में नहीं होते मशाल, ये चॉइस होती है, कोई भी किसी भी टाइम पे ये चूज कर सकता है, ये मजबूरी नहीं होती। मैं तो आपको वही कह रही हूँ जो लोग कहते हैं। I am really worried for her। इसीलिए कह रही हूँ आप बात करें, उसे समझाएं। बाय। ओके। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। छुट्टी वाले दिन मैं भी देर से उठती हूँ। नहीं 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 खाला, मुझे आदत नहीं है इतनी देर तक सोने की। एंड आई एम सॉरी, मैं यहाँ सो। सॉरी किस बात की? मैं तो खुद इस कमरे में आई ना, हैरान हो गई, सारा इंटीरियर ही तुमने चेंज कर दिया बेटा। वो अलमारी तक तो ठीक कर दी उसकी। नींद नहीं आ रही थी, और क्या करती? अच्छा नाश्ता करते, आज छोड़े नाश्ता, मैं बनाती हूँ। अरे बेटा नाश्ता मैं बना रही हूँ ना, अगर तुमने कुछ करना ही है ना तो आटा गूंदा हुआ पेड़े बना दो। ओके। जब मैं छोटी थी ना तो हमारा भी ऐसे ही घर था, बिल्कुल ऐसी ही खिड़की भी थी, हर रोज हम वहाँ नाश्ता करते थे और छुट्टी वाले दिन ढेर सारा खाना आता था। अम्मी बनाती थीं और बाबा उनकी मदद करते थे। जिंदगी में कई चीजें हमसे छिन जाती हैं, लेकिन वो दोबारा किसी और शक्ल में आके हमसे मिल जाती। जानती हूँ, पर कुछ चीजें कभी नहीं आती, कभी नहीं मिलती। वो अपने साथ हमारे वजूद का कुछ हिस्सा ले जाती है और फिर उनके बगैर कुछ अधूरा रहता है और अधूरा ही रह जाता है। शायरी करती हो, पढ़ती हो, इसलिए इतना गहरा सोचती हो? अरे राइटर हो, पेंट करती हो, गाती हो, उफ मेरीन, तुम्हारी तो पूरी चेकलिस्ट मार्क्ड है। अरे खाला, भी इस चेकलिस्ट में बहुत सारी चीजें, इसलिए कभी कभी मुझे लगता है मैं भी जल्दी मर जाऊँ। अल्लाह ना करे,
कितनी बुरी बात की है तुमने सुबह से, और अब इस हरकत पे ये पूरा नाश्ता तुम बनाओगे। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, और पेड़े आप बनाएंगे? बनाओ, शाबाश। जी मैडम। ये भी लो। तूने सारे कपड़े इकट्ठे धो दिए मेरे? मैं आपके कपड़े नहीं धोती हूँ, रजिया धोती है आपके कपड़े। जब मैंने कहा है कि तुम कपड़े धोगी तो उसको क्यों दिए धोने के लिए? क्या मुसीबत आ गई है, ऐसा नहीं बोल सकती। ताहिर के दोस्त बैठे हैं, मैं तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच तो मैं क्या करूं, आवाज आ रही है उनको तो। माशल, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। पता नहीं माशल बाजी को आज क्या हो गया, खुद से काम ठीक होता नहीं है। बातें सुन लो, आइंदा अगर तुमने इसका काम सही नहीं किया ना, तनख्वाह काटूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? बड़ी आई, चिक चिक ही नहीं खत्म होती इसकी। क्या क्या जुन करेंगे मुझ नन्ही से जानकर। कहाँ खराब है, क्या खराब है, देखती हूँ। एंड द विनर फॉर द पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज महरीन मंसूर। हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट प्राइज महरीन ने ही जीता है। वाह जी वाह, I'm so proud of you. Yep. Thank you. Look at you. Kabhi senator, kabhi governor. Lagta hai roz roz inaam lene ki aadat ho gayi aapko. Bas khala, kabhi gurur nahi kiya. Nahi nahi, wo to ho bhi nahi sakta. आखिर भांजी किसके? राइट। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, वो अस्वत की कॉल आएगी ना तो पिक कर लेना। ओके। अगर मेरी आवाज नहीं सुनेगा ना तो पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं उसको। ओके खाला। जी मैं बहुत अरसे से पेंटिंग कर रही हूँ, तकरीबन 15 साल से, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया है, बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट्स जीती भी हूँ, लेकिन पोस्टर कॉम्पिटिशन पहली दफ़ा किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पोस्टर को इतनी अप्रिसिएशन मिली है। माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है उसमें भाई, बचपन से ही। रहने दे अम्मी जी, ज़माना बदल गया है, आजकल सारी पोजिशन और सर्टिफिकेट्स सिर्फ सिफारिशों को मिलती है। उसकी पीआर भी तो इतनी अच्छी है ना, ये शीबा वगैरह सारे हॉटशॉट्स हैं, कोई किसी पॉलिटिकल फैमिली से तो कोई किसी ब्यूरोक्रेट से, इसलिए तो हर कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। शब्बो, तेज तो वो शुरू से थी, तुम्हें भी इसीलिए कहा था, कुछ तेज तरारी सीख लो उससे। तुम भी इन मुकाबलों में हिस्सा लिया करो ना, तुम्हें भी बहुत टैलेंट है, जाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, ले लेना किसी गेमों शेमों में हिस्सा, किसी कुश्ती में, किसी कराटे में। चाय ला दो। कमरे में ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी किधर हैं? खाला नहाने गई हैं, कहकर गई थी कि अगर आपकी कॉल आए तो मैं रिसीव कर लूं। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये किन कामों में पड़ी हुई हो तुम? जी काफी अरसे से तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन किसी ना किसी वजह से बात नहीं हो पा रही थी। ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही, मैं क्या कर रही हूँ? अपनी मर्जी, हर चीज में अपनी मर्जी क्यों कर रही हो? मैं शायद कम अकल हूँ, मैं वाकई आपकी बात नहीं समझ पा रही। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्यों कर रही हो, और हर रोज किसी नए लड़के के साथ उठना बैठना, व्हाई? मैं स्मोकिंग नहीं करती। ओ सो नाउ यू आर गोइंग टू लाई टू मी? झूठ नहीं बोलती। Stop wasting your time and your life. कोई अच्छी एक्टिविटीज पकड़ो, मशल की तरह।
मैं मशल की तरह एक्टिविटीज नहीं ले सकती. आई कांट अफोर्ड देम. लिसन मैरीन, इफ मनी इज द प्रॉब्लम आई कैन हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर योर फाइनेंशियल असिस्टेंस. मुझे जरूरत नहीं, मगर US में बहुत सारी चैरिटीज हैं जहां आप ये पैसे दे सकते. Just hang up on me. She'll take it. I mean, she's so rude. काफी सालों से पेंटिंग कर रही हूँ, कोई 15 साल हो चुके हैं. काफी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया मैंने और काफी जीती भी हूँ. पोस्टर कॉम्पिटिशन में पहली बार हिस्सा लिया है तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी अप्रिसिएशन दे रहे हैं मुझे. इस पोस्टर में मैंने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को खा रहा है, क्योंकि जैसी नेचर होगी वैसी ही पेंटिंग होगी. सो मशल भाजी, आज तो आपको डायरेक्ट ही चाय पिला दी. शब्बो! मैं जान से मार दूंगी तुम्हें! हमें नहीं ऐसा रहा मुझे! अश्वथ से बात हुई? जी. पूछ रहा होगा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आए, है ना? तुम्हें याद है बचपन में ना तुम्हारे आगे पीछे घूमा करता था, तुम्हें चीजें खाने पीने के लाके देता था, बल्कि मुझसे कहता था कि मैं तुम्हारे लिए चीजें खरीदूं. याद है मुझे सब कुछ. वो पागल अभी भी वैसे ही जैसे बचपन में था, बिल्कुल नहीं बदला. बस इस बार आएगा ना तो मंगनी या निकाह करके ही भेजूंगी. बदल गए वो. कुछ नहीं. अच्छा खाला, मुझे घर जाना है, नानी की कॉल आई थी, कुछ जरूरी काम. नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने तो शाम में जाना था, अभी तो हमने खाने के लिए जाना था भाई. सच में बहुत जरूरी काम. कभी और से. नेक्स्ट वीकेंड, प्रॉमिस. ओके, सुनो वो नेक्स्ट वीकेंड में ना अश्वथ भी आ जाएगा, हम बहुत मजा करेंगे यार. ठीक. गहरे हैं दुख दरिया ये, पहुंचूं कैसे साहिल पे तेरे बिन, तेरे बिन. अखियों ने स्मोकिंग क्यों कर रही हो और हर रोज किसी नए लड़के के साथ उठना बैठना व्हाई? कोई अच्छी एक्टिविटीज पकड़ो मशल की तरह. लिसन मैरीन, इफ मनी इज द प्रॉब्लम आई कैन हेल्प. खुदा गारत करे इस मैरीन के बाप, अपनी जिंदगी तो तबाह कर गया
साथ मेरी बेटी की जिंदगी भी खराब कर गया। बस करें अम्मी जान, एक शख्स इस दुनिया में नहीं है उसको बद्दुआएं देने का फायदा, खास तौर पे उसकी बेटी के सामने आप उसको बद्दुआएं दे रही, बुरा भला कह रही। इस घर में तो 24 घंटे यही होते हैं, या अम्मी या शगुफ्ता या ताहिर, हर एक की जबान पे एक ही बात होती है हमेशा। तुम्हारे साथ हमदर्दी है इसीलिए ना, तुम्हें तो बस अपनी बच्ची की फिक्र पड़ी हुई है कि इसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, इस पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्वत बेटा, आप महरीन को लेकर नीचे खेलो, शाबाश। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन शर्म बेच खाई है क्या, मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़ी और पूछे बगैर वहां रह भी पड़ी। खाला का घर है मेरा और खाला को जरूरत थी मेरी, अस्वद आ रहा है इसलिए हेल्प चाहिए थी। रुको, तुम होती कौन हो है कि अस्वद की मदद करने के लिए तुम खाला के घर जा पहुंची है? बिला वजह कोई आस लगा कर ना बैठ जाना अपनी माँ की तरह। क्या मतलब है इस बात का? तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आए। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रोज भागी भागी हो खाला के घर जा रही होती तुम, मुझे नहीं पता क्यों जा रही हो है? एक बात बता दूं, ताहिर और शगुफ्ता मशल और अस्वद के रिश्ते के बारे में सोच कर बैठे और मैं भी सालिया से बात करूँगी। तो ज़रूर करें बात, मैं किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहती और ना ही कोई मुझे समझे। और एक और बात बता दूं नानी, मैं वहां इस वजह से नहीं जाती। अच्छी बात, अच्छी बात है। बात सुनो, वैसे भी ताहिर ने तुम्हारे लिए एक दो रिश्ते देख रखे हैं। मामू से कहिएगा कि अपने रिश्ते अपने पास रखें, नहीं जरूरत मुझे उनके रिश्तों की, और आपको भी मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शादी करनी होगी ना, खुद कर लूंगी। वाकई में शर्म होया बेच रखी है तुमने है? शादी करनी है तो कर लूंगी। सही कहती मशा, जरूर चक्कर चल रहे होंगे इसके लड़कों के साथ, बस कहीं जान चढ़ा कर ना जाए बाप की तरह। अस्वत बदल गया है, मेरा दोस्त तो कहीं खो गया। तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम भी मुझसे नाराज हो? आज हमारी किस्मत कैसे जागी कि आपने मुझे कॉल की? शफान, मेरा काम कर दोगे प्लीज? मेरी मुझे
इन्हेलर की जरूरत है, तो मुझे मिल सकते हो? मेरे लिए इन्हेलर ला सकते हो? कहाँ के सच्चे थे।